हमारे चैनल एक्सपर्ट ड्रेस डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल जाए। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना ईद का ड्रेस दिखाऊंगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरा ईद का ड्रेस कैसा है। और ये वाला जो ड्रेस है, मैं आपको इसका इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैंने बुटीक से ही परचेज़ किया, लेकिन इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं हुआ था, बिल्कुल सिंपल सा था। तो फिर मैंने ये वाले स्टोन भी लाए हैं और ये वाले मोती भी लाए हैं बाज़ार से, और ये ख़ुद ही मैंने ऊपर काम किया। और ये जो सर्कल से बने हुए हैं, ये फ्रेश नाक के बने हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है शेल पर लगाए हुए, तो यहाँ नहीं थी जगह ऐसे गले की, तो इसलिए मैंने यहाँ ये देखे लैस के नीचे लगा दिए। और ये भी प्यारे लग रहे थे क्योंकि ये भी ब्राउन कलर के थे और इसके ऊपर ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। पहले ये सिंपल था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अब मैंने इसके ऊपर देखे ये सारा मोतियों का काम कर लिया और फ्रेश नाक हैं इसके, ये फ्रेश नाक के सर्कल बने हुए हैं, इसका काम कर लिए तो बहुत प्यारा लग रहा है। सबसे मेन बात ये है कि मुझे इस ये ड्रेस का सबसे अच्छा कपड़ा लगा था, और ये जिस तरह ये बनी हुई है कमर का, ये मुझे प्यारी लगी थी। ये देखिए छोटी छोटी पाइपिंग करके उन्होंने यहाँ लेस लगा के उसके अंदर अटैच की हुई है, और ये फ्रंट पे भी है और बैक साइड पे भी है। अभी यहाँ टसल डाली जाएगी तो बहुत प्यारी लगेगी। ये काफ़ी लूज़ है शर्ट, ये फ्रॉक बनी हुई है लूज़ है, जब टसल लगा देनी है तो खुद ही बंदा जितनी क्लोज़ करनी है, जितनी फिटिंग करनी है हम कर सकते हैं। जब मैंने पहले ये सोचती थी ना कि ये कमर कस किस तरह लगाते हैं, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे आइडिया आ गया। मैंने जब ये बुटीक में देखा है तो मुझे अच्छा लगा ड्रेस, तो मैंने परचेज़ कर लिया। इस तरह ये सिंपल काम था सारा, तो ये देखिए इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो अब मैंने भी यही सोचा कि दामन पे मैं काम ना करूँ, ऊपर सिर्फ काम हो गया तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले ही सारे कपड़े के अंदर कढ़ाई हुई है, ओवरऑल ये कढ़ाई हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, धागे की कढ़ाई है और थोड़ा थोड़ा शाइनिंग वाला धागा है। अगर इसके ऊपर आउट कलर की होती तो अच्छी नहीं लगनी थी। तो मैंने मेन बात तो मेरी यही है कि मैंने कपड़ा इसीलिए, ये ड्रेस भी चूज़ इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर काम भी बहुत प्यारा हुआ था और ऐसे आउट नहीं था काम कि ऐवी बुरा सा लगे, इस तरह प्यारा लग रहा था क्योंकि जैसा कपड़ा वैसी कढ़ाई उन्होंने बनाई है। अगर इससे अगर हो जाती ना ब्राउन ऊपर कढ़ाई, फिर ज़्यादा आउट सा लगना था, अच्छा नहीं लगना था। आप देख रहे हैं शर्ट की देखिए फिटिंग कितनी ज़्यादा है, तकरीबन होगी ये फिटिंग 20 होगी। तो जब यहाँ टसर डाली जाएगी ना, तो फिर हम खुद कर सकते हैं जितनी करनी हो फिटिंग। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ना ये जैसे मैंने काम ऊपर किया वो भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह करना है, हम सिंपल लें तो किस तरह करेंगे। और मैंने स्मॉल वाला चूज़ किया, अगर लार्ज करती ना ड्रेस ये फ्रॉक चूज़ तो ज़्यादा वो लेंथी भी होनी थी और ज़्यादा खुली भी होनी थी, उसकी फिटिंग भी कर लेते अच्छी नहीं होनी थी। अब ये देखिए बैक साइड पे उन्होंने ज़्यादा डीप ये ना लेस लगाई हुई है, तो फ्रंट पे इतनी लेस नहीं लगी हुई है ऐसे डीप करके, तो यहाँ ज़रा ना डीप लगाई हुई है और यहाँ भी टसल लगाई हुई है। यहाँ भी हमने वो क्लिप्स बने हुए हैं तो वहाँ हमने टसल डाल लेनी है तो अच्छी लगनी है। और बाजू जो भी बुटीक का माल भी हो या कोई भी कपड़ा हो हम लाए ना, तो उसके बाजू इस तरह अंदर उन्होंने रखे होते हैं कि हमारी मर्ज़ी है कि हमने पूरे बाजू लगाने हैं कि हमने हाफ स्लीव्स रखने हैं। तो खैर मैंने तो पूरे लगाने हैं, तो आपको मैंने दिखा दिए हैं, अभी मैंने सिलाई नहीं किए तो करने हैं अभी, क्योंकि ये मैंने कुछ ही दिन हुए हैं तो पर्चे